हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं आपका सुमित की शिक्षा में। तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, आप बढ़िया होंगे और आपकी वाली भी बढ़िया होगी। ठीक है, जो सपाट आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इससे पहले हमने एक और लेक्चर रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख के आना, उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो एक प्यारी सी हेडिंग पाते हैं अपने लेक्चर की, करते हैं शुरुआत। मेथड ऑफ चार्जिंग, दो मिनट देख लेता हूँ फोकस बन रहा है कि नहीं बन रहा। सही है। तो हाँ, आते अपने टॉपिक पे। क्या मैंने वो लिखा है, क्या हेडिंग पाई है? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखो, आपने बचपन में एक जादू का खेल तो खेला ही था। खेला क्या था? आपने सभी को दिखाया था वो जादू का खेल। कौन सा जादू का खेल? कौन सा जादू का खेल? ठीक है, स्केल लेते थे, स्केल को क्या करते थे, अपने बालों में रब करते थे। बालों में रब करने के बाद उसको क्या करते थे, किसी पेज के आगे रखते थे। पेज क्या हो जाता, अट्रैक्ट हो जाता था। ठीक है ना, क्या हो जाता था? पेज अट्रैक्ट हो जाता। अब ऐसा क्यों होता था? ठीक है ना, ऐसा क्यों होता था? वो होता था फ्रिक्शन बाय, क्या बोल रहा हूँ यार, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्यों होता था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बस वही हमारा पहला मेथड है। कौन सा हमारा पहला मेथड है? नोट्स साथ साथ में जरूर बनाना। ठीक है, इसमें आलसपन मत करना, नोट्स बनाने में नहीं। चार्जिंग बाय देखो, अगर आप नोट्स साथ साथ में बनाओगे तो आपके बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छे से, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और जो सोचते हो ना कि स्क्रीनशॉट लेके रख लें, समझ लें, बाद में नोट्स बना लेंगे, वो बाद में कभी नोट्स बनते ही नहीं है। रियलिटी ये, यही है रियलिटी, कि बाद में वो नोट्स कभी बनते ही नहीं है। ठीक है, हाँ, तो टॉपिक पे आते हैं। क्या लिखा हमने? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या हुआ, दो बॉडीज को आपस में रब किया ना हमने, तो बस लिख देते इसकी डेफिनेशन। व्हेन, साथ साथ में मेरे पीछे पीछे बोलो बोलो, व्हेन टू bodies are rubbed together, when two bodies are rubbed together and the friction and the friction between the bodies causes, ठीक है, and the transfer the transfer of इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, एज अ रिजल्ट both bodies becomes charged। ठीक है, लाइन ऐसे चलेगी, इसको सेट कर देते थोड़ा सा।
बोथ बॉडीज बिकम क्या बना रहा हूँ बिकम बिकम्स चार्ज एंड द बॉडी क्या बोलूँ द बॉडी विच loses electron get positively get gets positive charge. Example लिख देते हैं कम रबिंग क्लास रॉड विद सिल्क. ठीक है एग्जाम्पल बहुत है. क्या लिखा मैंने when two bodies are rubbed together and the friction between the bodies causes. ठीक है वही बताया था कि जब दो बॉडी को आपस में रब कर रहे हैं, ये तो बीच में कुछ और है मार कर रहा है रब कर रहे हैं. ठीक है दोनों के बीच में फ्रिक्शन बनता है. फ्रिक्शन बनने से क्या हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. ठीक है एज ए रिजल्ट बोथ बॉडीज बिकम चार्ज. दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं. ठीक है और जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है मतलब मान लो मैं दूसरे को दे रहा हूं क्या इलेक्ट्रॉन. ठीक है मैं दूसरे बंदे को दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं. ठीक है तो मेरे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और जो ले रहा है क्या इलेक्ट्रॉन. ठीक है जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव साइन. ठीक है तो ये था हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. तो इसके ये से नोट करो स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है उसके बाद जो हम करने वाले हैं इसका नेक्स्ट मेथड. ठीक है नेक्स्ट मेथड करेंगे हम वो देखो थोड़ा सा. हाँ तो हमारा नेक्स्ट मेथड देखो क्या है बॉडीज को चार्ज करने का नेक्स्ट मेथड क्या है. तुम्हारा नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो चार्जिंग बाय इंडक्शन है ना वो बॉडीज को चार्ज किया जाता है किस तरीके से विदाउट टच या विदाउट कॉन्टैक्ट. ठीक है विदाउट विदाउट कॉन्टैक्ट. इसमें देखो क्या किया जाता है बॉडीज को चार्ज तो किया जाता है पर कुछ एक अच्छे तरीके से चार्ज किया जाता है. अच्छे तरीके से कहने का मतलब है और दूसरा ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है. टेम्परेरी फिनोमिना क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है तो देखो क्या है एग्जाम्पल से करते हैं इसको हम बाद में फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. हाँ तो हमारे पास एक कोई बॉडी है मान लो कि कंडक्टर है. ठीक है ये हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है. ये हमारा एक इंसुलेटिंग स्टैंड है. अब कंडक्टर तो आपको पता ही है क्या होते हैं. ठीक है एक ये न्यूट्रल कंडक्टर है. अब देखो अच्छा न्यूट्रल का मतलब सबको बताता हूँ पहले इधर देखो ये भी करते हैं एक ये मेन चीज देखो. एक हमारे पास बॉडी ए है एक हमारे पास बॉडी बी है. कलर चेंज कर लेते हैं. एक बॉडी हमारे पास सी है. देखो ए में क्या कंडीशन है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है किससे प्रोटॉन्स से. बी में कंडीशन क्या है प्रोटॉन्स ज्यादा है किससे इलेक्ट्रॉन से. सी में कंडीशन क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वैल्यू सेम है. ठीक है अब मुझे बताओ हम बॉडी ए को क्या बोलेंगे बॉडी बी को क्या बोलेंगे बॉडी सी को क्या बोलेंगे. जल्दी 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 बताओ जल्दी जल्दी बताओ
सोचो सोचो, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ज्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिवली नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, यहां पे प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? जल्दी बताओ यार, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज। अब बात है यहां पे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आई एम वेटिंग, जल्दी बताओ क्या बोलेंगे उसे? सोचो जल्दी, दिमाग में सोचो। उसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रल। नहीं पता था तो लिख लो, जिसको पता था बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता तो सीख लो यार, यही होता है, हम भी सीख ही रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो इसको मैं जा रहा हूं मिटाने। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, आपको पता है कंडक्टर में बहुत सारे फ्री आयन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, एक कंडक्टर में ना 10^28 आयन्स होते हैं पर मीटर क्यूब। ठीक है, 10^28 आयन्स होते हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब हुआ क्या, एक हमारे एक न्यूट्रल कंडक्टर है। ठीक है, इस न्यूट्रल कंडक्टर में हम क्या लेके आए, एक साफ साफ लिखते हैं, बड़ा गंदा हो गया, इतना बड़ा तो मेरा बोर्ड भी नहीं है जैसे हम लिख रहे हैं, छोटा छोटा सा बनाते हैं। कंडीशन वन, जैसे ये हमारे पास एक प्यारा सा कंडक्टर है, क्या हमारे पास एक कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में हमने क्या किया, इसके पास एक लेके पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ध्यान से देखो, हमने इसको टच नहीं किया। अब जूम करके तो दिखा नहीं सकते क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है नहीं, आप अपनी स्क्रीन जूम करके देख लो कि टच नहीं किया हमने इसे, टच नहीं किया। अब इसमें तो बहुत सारे फ्री आयन थे, आपको बताया था न्यूट्रल है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव के पास कौन से अट्रैक्ट हो जाएंगे? नेगेटिव, बताया था ना, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। और जब सारे नेगेटिव इस साइड अट्रैक्ट हो गए, तो इस साइड कौन से बच जाएंगे? पॉजिटिव। हमेशा यही होता है, जो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन प्रोटून कहीं नहीं जाता, डीट इंसान है वो। ठीक है, ये ना सोचो कि पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया, नेवर, ये नहीं होता, इलेक्ट्रॉन अपने आप इधर आ जाता है, उधर अपने आप ही पॉजिटिव बच गया। ठीक है, ये हुआ हमारे साथ, हमने क्या किया, पॉजिटिव रोड लेके आए, सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ गए और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज उधर बच गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज हम खत्म करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, इसकी अर्थिंग कर दी। अब अर्थिंग मतलब तो आपको पता ही होगा, एक्सेस चार्ज ट्रांसफर टू दी अर्थ। ठीक है, ये हमारा जो एक्सेस चार्ज था वो क्या हो गया, अर्थ में चला गया। तो हमारे पास एक कौन सा बच गया, सिर्फ कैसी बच गई, एक यहां पे मैं अभी के लिए हम एक रॉड बना देते हैं, यहां पे सिर्फ एक नेगेटिव नेगेटिव सारा नेगेटिव बच गया। ठीक है, अभी रॉड हटा देंगे। अब मैंने बोला अब यहां पे नेगेटिव रहेगा, बट ये नेगेटिव हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कौन सा फिनोमिना, एक टेम्परेरी फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है? ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है, तो इसलिए नेगेटिव जो है ना, ये हमेशा इसके साथ नहीं रहेगा, और टेम्परेरी है। क्यों है? मैंने क्या बोला, इसके अंदर 10^28 आयन्स होते हैं, देख लो कितनी ज्यादा वैल्यू है इसकी, बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। ये उसी तरीके से कि एक बाल्टी नॉर्मल वाटर में एक गिलास में फिल्टर का वाटर मिक्स कर दिया, क्या ही फर्क पता चलेगा, है तो ऑलमोस्ट वो नॉर्मली वाटर बन गया। ठीक है, माना बहुत गंदा एग्जाम्पल था, पर आप समझ सकते हो। तो बाद में क्या हो जाता है, अपने आप एक फिर उसी न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
तो ये था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तब मैं इसकी लिखूंगा डेफिनेशन, ठीक है। मैं ना फटाफट ना मेन कंसेप्ट पे जाना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ये डेफिनेशन लिख दी है, क्या लिखा मैंने, द फिनोमिना टू टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी, अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट विदाउट हैविंग एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज इज नोन एज इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इज नोन एज इंडक्शन। तो ये आपको डायग्राम बनाने, ये नहीं बनाने, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर वो बनाना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये न्यूट्रल एटम था एक, ठीक है। इस न्यूट्रल एटम के पास हमने क्या लेके आए, एक रॉड लेके आए, पॉजिटिव रॉड लेके आए, पॉजिटिव रॉड लेके आए। तो इसके पास कौन से आ जाएंगे, नेगेटिव, यहाँ पे क्या बच जाएंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ पे आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी क्या कर दी हमने, अर्थिंग, इसकी क्या कर दी हमने, अर्थिंग, और अच्छे से बना देते हैं अर्थिंग। इसकी हमने कर दी अर्थिंग, यहां पे एक रॉड आ गई, यहां पे क्या रह गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। रॉड हटाई, यहां पे क्या बच गया हमारे पास, नेगेटिव फैल गया। बाद में वो दोबारा वो हो जाएगा, वो क्या कहते हैं, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, पता है टेम्परेरी फिनोमेना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी जल्दी। इसके बाद हम इसके थर्ड मेथड की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अपने मेन कंसेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको करते हैं रेज। हाँ, यहाँ पे ऑफ पा देना, मुझे थोड़ा गलती से ना टू लिख दिया था, ठीक है। मुझे लगा मेरा माइक ऑफ हो गया है। एक बार फोकस देख लेते हैं, पढ़ रहा अच्छे से कि नहीं। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि हम आप इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड मेथड की तरफ। तो थर्ड मेथड कौन सा है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसको बताने से पहले मैं पानी पी लूं। हाँ, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन देखो क्या होता है। ये हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, और इस ये पता क्या है, हमने पहले क्या बोला था, विदाउट कॉन्टैक्ट। ये है असल में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें क्या कहते हैं, दो बॉडीज को आपस में टच करके रख देते हैं। ये हमारा एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, कहाँ नेगेटिवली है, अब हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक न्यूट्रल कंडक्टर को लिया, न्यूट्रल बॉडी ली, न्यूट्रल कंडक्टर लिया, उसको टच करके रख दिया। टच करके रखा तो ये क्या करने लगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करने लगा, ठीक है। ये इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स का इसमें ट्रांसफर कर दिया, बस यही है। इसने इसको फिर क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। अब यहाँ पे कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन आता है और जो कि आना भी जरूरी है, कि क्या जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब चार्ज अपना ट्रांसफर कर देगा, तो इन दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइड हो जाएगा। मान लो कि टोटल क्यू था, ठीक है, तो इसने इसको शेयर शेयर किया, तो इसके पास भी बच गया क्यू बाय टू, इसके पास भी बच गया क्यू बाय टू। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हुआ, इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो, ये जरूरी नहीं है। ये कब पॉसिबल होगा, जब इसका शेप शेप जब इसकी शेप साइज मटेरियल सब सेम होगा, तब हम कह सकते हैं कि क्या होगा, कि जो चार्ज होगा हमारा इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। वही मैंने लिखा है, देखो, वी कैन चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी बाय कंडक्शन मेथड, टेक अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड प्लेस इट इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। इसके पास क्या थे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, बहुत ज़्यादा थे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करना चाहता था, ट्रांसफर करना चाहता था, दान करना चाह रहा था।
दान करना चाह रहे थे, उसके साथ में हमने क्या कर दिया, न्यूट्रल बॉडी ले, उसने इसको दान कर दिए, बस वही सब है, मतलब कि ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन्स, एंड न्यूट्रल बॉडी शेयर द चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी अप टू अ सर्टेन लिमिट सो डैट न्यूट्रल बॉडी बिकम्स चार्ज बॉडी। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा ये वाला थर्ड मेथड। और एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो इंपॉर्टेंट बात पता क्या है आपको, मैं बताऊं कि मैं जो ब्लैक मार्कर से क्यों लिखता हूं, पता है किसी को, मैं बताता हूं, ताकि मेरी राइटिंग को क्या नजर ना लगे, ठीक है, ताकि मेरी राइटिंग को क्या लगे, नजर ना लगे, इसलिए मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूं। आधा ने तो मन ही मन पता नहीं क्या सोच लिया होगा, कई ने तो बोला होगा सर ने लगता मेरी राइटिंग ही नहीं देखी अभी तक, और कोई बात नहीं, जैसी भी अच्छी है, समझ आनी चाहिए बस आपको, ठीक है। तो आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारे इसका चार्ज करने का मेथड थे वो तो खत्म होते हैं, अब हम अपने मेन कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि बोर्ड के लिए और वैसे भी जहां से आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत होगी, जहां से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा चैप्टर का, वो हम टॉपिक करने जा रहे हैं। तो देखो टॉपिक का क्या नाम है, टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। क्या नाम है टॉपिक का, कूलम्स लॉ। ये समझा रहे हैं आपको, पहले हमारा थोड़ा पहली वीडियो वाली बातें करता हूं मैं थोड़ी सी। मैंने क्या बोला था, दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, कौन सी फोर्स लगाएंगे इस पर, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है, कौन सी फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। वहीं पे दो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे पे, क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट, कौन सी फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो वही एक कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि जो फोर्स लग रही है ना, ये जो फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, उसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना, क्या वैल्यू है, क्या फॉर्मूला है, वही हमें बताता है कूलम्स लॉ। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, फिर मैं आपको इसकी डेरिवेशन भी ड्राइव कराता हूँ, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए भी, 3 और 2 मार्क्स में ज्यादातर पूछा जाता है ये, बाकी पैटर्न पे डिसाइड करेगा। और अगर मैं पिछली बार वाले पैटर्न की बात करूँ तो उस हिसाब से 3 मार्क्स में तो मतलब कि 5 मार्क्स का बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में से, ठीक है, मैं PSB की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर ये कूलम्स लॉ पाएंगे ना तो इसके साथ में एक ऑप्शनल में भी एक दूसरा क्वेश्चन पा देंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, इट स्टेट्स दैट the force of the force of attraction or repulsion, ठीक है, अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस होते रिपेल की इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। It states that the force of attraction or repulsion between the two point charges, हाँ between the आते हैं point charges के ऊपर भी आते हैं, दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, पॉइंट चार्जेस के ऊपर भी आते हैं, पर एक बार थोड़ी डेफिनेशन मैं पूरी कर दूं, क्या कहां लिख रहा था, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड inversely proportional to the square of distance बिटवीन देम। ठीक है, क्या मैंने बोला, बाद में पढ़ता हूँ पॉइंट चार्ज के ऊपर। अब बात करते हैं, ठीक है, सीधे ही पॉइंट चार्ज के ऊपर आते हैं। तो कूलम्स ने बोला था ना कि जो फोर्स है ना वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्ज के ऊपर। तो ये जो पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट चार्ज तो मैं कह सकता हूँ कि एक फुटबॉल भी हो सकती है, इतनी बड़ी बास्केटबॉल समझ रहे हो, चलो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल भी हो सकती है। तो बट जो बास्केटबॉल कैसे पॉइंट चार्ज होगी? ये देखो, कहने का मतलब ये है, इसने क्या बोला कि जो फोर्स है ना पॉइंट चार्ज के लिए पर, जो पॉइंट चार्जेस है उसके लिए वैलिड है। बट ये जो डेफी जो ये बात है ना, ये कुछ अच्छे तरीके से कहने का मतलब ये है, अब इसकी जगह पे मान लो मैंने रख लिया एक एग्जाम्पल है, इसमें मैं रख लेता हूं ये मेरा घर है, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे है तो पॉइंट चार्ज के ऊपर ही वैलिड, बट ऐसे लेट कर लिया, ठीक है, ये मेरा घर है और ये आपका, घर घूर रहने देते हैं, एरोप्लेन की एग्जांपल लेके चलते हैं, ये भी एक जहाज है, ठीक है, अभी ये जमीन पे है, ठीक है, अभी क्या है, जमीन पे है, जहाज तो ऐसे लग नहीं रहे, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है यार, समझ जाना यार, जहाज तो बन नहीं रहा, वॉलीबॉल से ही काम चला लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज देखो एक फुटबॉल है हमारे पास, नहीं बास्केटबॉल हमने ली थी ना, हाँ बास्केटबॉल, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया यार, ठीक है, एक बास्केटबॉल है, ठीक है, अब बास्केटबॉल को क्या, इसको पॉइंट कैसे बनाएंगे, बास्केटबॉल तो इतनी बड़ी, पॉइंट चार्ज कैसे, पॉइंट चार्ज को एक तरीके से भी बना सकते ना, अगर मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा दूं, इसका एक मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, तो इस वाली बॉल के लिए ये पॉइंट चार्ज होगी, इस वाली के लिए ये पॉइंट चार्ज होगी। बट केस पता क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ये हुआ कि हमने इतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा दिया, कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगी, पर इतनी नेग्लिजिबल लगी एज कंपेयर टू द जीरो, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे अर्थ में, अर्थ से मून को देखो, अभी एग्जांपल अच्छी जी, ठीक है, अर्थ से मून को देखो, इतना सा दिख रहा है आपको, छोटा सा, दिख रहा है ना, बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, पर वही बात आप समझो कि मतलब कि जो फोर्स है जो यहाँ पे लग रही है बहुत कम लग रही है, मतलब कि एज कंपेयर टू, मतलब जीरो लग रही है, तो कूलम्स फोर्स ही जब जीरो होगी तो क्या है कि कूलम फोर्स, तो इसलिए ये कहते हैं कि जो फोर्स है ना पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। जो आप कह सकते हो कि जो बॉल है उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दें तब भी तो पॉइंट चार्ज बन गई, यार बढ़ा लो डिस्टेंस, मना तो नहीं किया ना मैंने, बढ़ा लो आप डिस्टेंस, बन गई पॉइंट, तो फोर्स ही नहीं लग रही, फोर्स भी तो लगनी चाहिए ना, तो कूलम्स फोर्स भी तो लगनी चाहिए ना, जब उसके बीच में फोर्स ही नहीं लगी तो क्या ही वो, उसको क्या फायदा उसको पॉइंट बनाने का, ठीक है ना, तो पॉइंट चार्ज का आपको समझ आ गया होगा केस।
बड़ी मुश्किलों से समझा दिया आपको पॉइंट चार्ज का। हाँ, तब डेफिनेशन के ऊपर क्या बोला इसने, इट स्टेट्स दैट, छोड़ो डेफिनेशन छोड़ो, पढ़ेंगे लास्ट में, पहले इतना हमने टाइम वेस्ट कर दिया, हमने नहीं मैं नहीं, ये दो हमने सेम नेचर के पॉजिटिव चार्ज ले लिए, वही मैंने यहाँ पे लिया, मैंने कौन सा इरिपल्सिव वाला केस ले लिया, ठीक है, दो पॉइंट चार्ज ले लिए। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इन दोनों के बीच का मैंने डिस्टेंस ले लिया आर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया आर। तो कूलम चचा ने क्या बोला, चचा ने हमें बोला ठीक है, तो चचा ने हमें बोला कि जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, प्रोडक्ट क्या वाला, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हमारी एक क्वेश्चन होगी वन, और चचा ने हमारे दूसरी बात क्या बोली, पहले देखना आपको दिख रहा है, दो मिनट, दिख भी रहा है, अभी जगह भी है, ठीक है। तो चचा ने हमारी दूसरी बात बोली कि जो फोर्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वेयर, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हमारी होगी इक्वेशन टू। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन वन और टू को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, इंग्लिश लिख लेते हैं थोड़ी सी, कंपेयर है तो नहीं हमारी अच्छी इंग्लिश, कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू। तो हमने जब इक्वेशन वन एंड टू को कंपेयर किया तो क्या हमको मिला, हमें मिला जो हमारी फोर्स निकल के आई, कलर चेंज, Q1, Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, Q1, Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और ये जो प्रोपोर्शनल का निशान है इसको हटाया हमने, हटा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया K, हाँ Q1, Q2 लिख रहे, तो यार इनको भी तो नाम दो ना, Q1, Q2 क्या ही करते हो सर आप, Q1, Q2 ये नाम दिया। अब बात है इस K के ऊपर, इस के को क्या बोलते हैं, ये तो हो गया हमारे पास कूलम्स फोर्स, यहाँ से हमारा क्या होगा, फॉर्मूला डिराइव, बस हाँ यही है कूलम्स फोर्स, यही देख लो फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। और इस के की वैल्यू जो होती है ना, आगे बताएंगे, बट जो इस के की वैल्यू होती है ना, वो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम में, ठीक है, मीडियम के हिसाब से इसकी वैल्यू डिपेंड किया करती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, एक बार पढ़ लूँ मैं, कुछ गलत तो नहीं लिखा, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ, क्योंकि आजकल गलतियाँ बहुत हो रही हैं मेरे से, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इसको करते हैं रेज, ये देखो, तो हमारे चचा का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो चचा कौन से, हमारे कूलम चचा, ठीक है। तो इस कूलम चचा ने हमें ये फॉर्मूला दिया था, के की मैंने आपको बताया के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट।
तो ठीक है, तो इस के की जो वैल्यू है वो मैं बताता हूँ आपको, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई नहीं है ये, एप्सिलॉन नॉट है, इस तरीके से इसके पैर में ये अंडा नॉड पता है आपको यार, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, यूनिट्स की हम बात बाद में करेंगे, अभी नहीं करते यूनिट्स की बात, बाद में बात करेंगे, याद जरूर दिला देना कि यूनिट्स के ऊपर हमने चर्चा नहीं की। बाय चांस अगर भूल गए तो कमेंट बॉक्स में मुझे याद मत कराना, सीधा यूनिट्स लिखना, ऐसा आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, पर भूलेंगे नहीं यार, ठीक है। तो के क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये तो हो गया के की वैल्यू, मतलब कि ये हो गई हमारी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बात आती है इस एप्सिलॉन नॉट की, खतरनाक बंदा है एप्सिलॉन नॉट, आपको बता रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट इसका मतलब होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो इस पर इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻²-12, इसके भी यूनिट्स की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये तो होगी हमारे पास फ्री स्पेस को हम इस तरीके से करते हैं, ई के पावर में, मतलब एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होगी ये, क्या होगी ये, ठीक है। तो अगर हम, ये तो हमारी होगी वैक्यूम की बात, अगर दो चार्जेस हमारे किस में रखे हों, वैक्यूम में रखे होंगे, कौन से कहां रखे हों, वैक्यूम में रखे हुए, तो हमारे पास उसको इस तरीके से लिखा जाता। अगर उन्हीं दो चार्जेस को अगर मैंने ऑयल में रख दिया, मतलब कहने का क्या मतलब समझो ना यार, कह करना क्या चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं उन दो चार्जेस को मैंने क्या कर दिया, उनका मीडियम चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, उनका मीडियम चेंज कर दिया, उनको मैं हिंदी मीडियम से किस में लेके चला गया, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैंने उनको, जब उनको मीडियम चेंज किया, तो जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है वो एप्सिलॉन नॉट नहीं रहा, क्या बन गया, एप्सिलॉन, क्या बन गया, एप्सिलॉन, तो इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। चलो ये तो आपको पता चल गया परमिटिविटी क्या होता है क्या नहीं होता है, यही तो नहीं पता चला कि परमिटिविटी क्या होता है, अभी तक तो आपने सिर्फ अप्लाइसेंस कह रहा हूं मैं, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताया हुआ है और एप्सिलॉन के बारे में बता दिया, ठीक है, पर परमिटिविटी के बारे में तो बताया ही नहीं है, तो चलो इसके बारे में बता देते हैं। तो परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, तो परमिटिविटी का मतलब होता है, मैं लिखने जा रहा हूं फिर देखो, मैंने परमिटिविटी लिख दिया गया और इसका आगे मतलब बताया, इट डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी
ये हमें बताता है कौन, परमिटिविटी, कि दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगनी चाहिए इन केस ऑफ, कि जो हमारा क्या, ये जो मैं क्यू वन और क्यू टू हमारे क्या सेम हो, इनको नहीं चेंज कर रहे हम, इनको नहीं चेंज कर रहे। अब खुद देखो, आपको समझ आ जाएगा ये मैंने लाइन लिखी क्यों है, अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो फोर्स, देखो हमारी फोर्स थोड़ी सी, मेरी फोर्स है किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, अदर इज के जगह पे ये भर दूं तो, अगर मैं ये मीडियम, मीडियम ऑफ चार्जेस, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, ठीक है ना, मीडियम पे भी तो डिपेंड कर रही है ना, तो जो हमारी फोर्स कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, जो हमारी कूलम्स फोर्स है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती, थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करती, कौन कौन से, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कि चार्जेस को कौन से मीडियम में रखा गया। अब इस केस में हमने क्या किया कि हमने क्यू और क्यू टू को तो चेंज किया नहीं, उसके बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज कर दिया, बस क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया हमने, किया क्या है, मीडियम चेंज कर दिया हमने, क्या कर दिया, बस इसका मीडियम चेंज कर दिया। अच्छा, मीडियम चेंज करने से क्या हो गया, अपने आप ही है फोर्स अपने हिसाब से डिटरमाइन करने लगा। ठीक है, अब फर्क ये पड़ता है कि हमने इसको कौन से मीडियम में रखा है, वाटर में रखा है कि कहीं और रखा है। ठीक है, उस हिसाब से ये हमें अपने आप ही उस हिसाब से क्या लगा, दो चार्जेस के बीच के फोर्स बताने लगे। तो मैं आपको वैल्यू बताता हूँ, ये तो हमारी होगी फ्री स्पेस वैक्यूम की वैल्यू, पर जो हमारे एप्सिलॉन नॉट होगी ये तो वैक्यूम, और आपको मैं बता दूं ये जो, ये हमारी जो परमिटिविटी है ये मिनिमम वैल्यू है। ये हमारी एक है मिनिमम वैल्यू, ठीक है, यह है हमारी मिनिमम वैल्यू। अगर वहीं में अगर मैं वाटर की बात करूं, जो हमारी परमिटिविटी है उसकी, वाटर की वैल्यू होती है 7.12 × 10⁻¹⁰। इतनी होती है, -10, ये होती है वाटर की। देखो बढ़ गई ना इससे, और यहां आप देखो, अगर चलो यहां पे मैं लिख देता हूं 1/4 π ε₀, ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, ये जितनी ज्यादा बढ़ेगा फोर्स उतनी ही कम होगी, देख रहे हो ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा ये मीडियम मीडियम की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा फोर्स कम होती जाएगी। तो ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं इट डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और आपको दूसरी बात ये बता दूं, जो फोर्स हमारी मैक्सिमम होती है, अगर हम चार्जेस को, बात मेरे ध्यान से सुनो, अगर हम चार्जेस को और चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को चेंज नहीं करते हैं और उनको अलग अलग मीडियम में रखते हैं, पहले हमने रखा वैक्यूम, उसको बाद उसके बाद बिना डिस्टेंस चेंज करें और चार्जेस के बीच का, और बिना चार्जेस की वैल्यू चेंज करें, लाइट को क्या हुआ था, बिना वैल्यूज की, 2 मिनट, हाँ डिस्टर्ब कर दिया लाइट ने, बिना क्या बोल रहा था यार मैं, बिना हम मैग्नीट्यूड चार्जेस के मैग्नीट्यूड को चेंज करें और उनके बीच के डिस्टेंस को चेंज करें, पहले हमने वैक्यूम में रखा, उसके बाद उन्हीं को विदाउट एनी चेंज वाटर में रख दिया, वाटर में रख दिया, और वाटर की, अब देखो हमने कुछ नहीं चेंज किया, हमने बस मीडियम चेंज कर दिया, और वाटर में वैल्यू ये है, वाटर में वैल्यू क्या है, परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, वैल्यू क्या है, ज्यादा है, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स कम होगी। तो यहां से ये आता है कि जो फोर्स हमेशा मैक्सिमम होती है किसमें, फोर्स हमेशा मैक्सिमम होगी किसमें, वैक्यूम में। ठीक है, कि वही चार्जेस को पहले फोर्स वैक्यूम में रख के कैलकुलेट करो फोर्स, फिर उन्हीं चार्जेस को किसी और मीडियम में रख के करो, वैल्यू ना चेंज करो, तो आप हमेशा देखोगे जो तो मेरी फोर्स इन वैक्यूम हमेशा बढ़ी आएगी मीडियम कि जब जब चार्जेस को किसी मीडियम में रखा जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनके ऊपर पूरी बात, तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ इसको मिटाने।
तो हमारे पास क्या निकला कि जो हमारी परमिटिविटी है साफ साफ लिख देता हूँ मैं एक बार ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। परमिटिविटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन the two charges। ठीक है, इधर परमिटिविटी की होगी। और हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला? हमारे कुलम चचा ने जो हमें फॉर्मूला दिया 1/4 pi epsilon naught Q1 and Q2 upon में r square। ठीक है, और यहाँ से epsilon naught की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 8.85 into 10^-power minus 12। और यही अगर वाटर में रखे हो चार्जेस, यूनिट की बात करेंगे 10^-10। और यही अगर हम ग्लास में रखें 3.12 × 10^-11। ठीक है, चलो इसकी हम वो निकाल लेते, क्या निकाल लेते, इसका यूनिट्स निकाल लेते, इसके उधर भेज देते, इसके उधर भेज देते, तो मतलब कुछ इस तरीके से। कुछ ये बन गया, चार्जेस के यूनिट्स क्या होते हैं? हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कूलम दो चार्जेस हैं मल्टीप्लाई में, तो एक स्क्वायर, फोर्स के यूनिट्स न्यूटन, और ये तो हमारे पास डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के हमारे क्या बन गए, यूनिट्स क्या बन गए हमारे पास, कूलम। चलो ये तो हमारे पास न्यू वो भी आ गए, क्या आ गए उसके यूनिट्स, किसके यूनिट्स, इसके यूनिट्स, एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स भी हमारे पास आ गए। और यूनिट्स भी हो गया, हमने सबकी वैल्यू भी बता दी, लिख दी, नोट कर लेना आप, परमिटिविटी भी बोल दिया। और उसके बाद हम करते हैं इसके इधर भेजते हैं, और चार्जेस हमारे पास नीचे आ गए। कर क्या रहा हूँ पता है आपको, मैं इस के यूनिट्स निकाल रहा हूँ, आपको याद होगा, शायद आपको याद नहीं था, क्योंकि आपको याद होता तो मुझे याद दिलाते, पर हमने भी के यूनिट्स नहीं निकाले, जिसकी वैल्यू क्या थी 9 × 10^-9। ठीक है, तो फोर्स हो गया हमारा न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, के यूनिट्स देखो इसका ऑपोजिट आ गया। ठीक है, तो ये यूनिट्स आप याद जरूर कर लेना। ठीक है, ये यूनिट्स तो है ना, याद कर लेना, याद क्या कर लेना मतलब समझ लेना, एक तरीके से समझा तो दिए कैसे निकाला जाते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू बनते हैं, आपको देखने जरूर मिलेंगे एमसीक्यू। और देखते हैं कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है हमारी, तो वीडियो तो हमारी अराउंड 49 मिनट्स की बन गई है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, आपसे लेते हैं अलविदा। तो आई होप आगे वाला जो हम पढ़ना हमने रिलेटिव परमिटिविटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को नए हो अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो ओके, थैंक यू।